यूपी की है ये पुकार, होके साइकिल पे सवार अखिलेश आएंगे। अखिलेश आए तो खलियान मुस्कुराएंगे, अखिलेश आए तो हर गांव सुधर जाएंगे, अखिलेश आए तो सिलेंडर सस्ता पाएंगे। यूपी की है ये पुकार, होके साइकिल पे सवार अखिलेश आएंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। चुनावी माहौल चल रहा है, सभी प्रत्याशी सभी दल अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। 20 मई को पांचवें चरण में यहां चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में हम आए हैं सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष समीन बानवी जी, जो एक बड़े फनकार और शायर भी हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि अब की राजनीति में जो मुद्दे हैं वो क्या सही हैं और मुद्दे क्या होने चाहिए और जो चुनावी माहौल चल रहा है वो कैसा है और कौन आगे है और किसकी जो है आगे जीत की तैयारी है और कितनी सीटें सपा लाने की तैयारी में है। तो समीन बागनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि जो उठा पटक राजनीति में अब में चल रही है, क्या फर्क है और कैसी होनी चाहिए आज के इस दौर में? समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन सबसे आगे है और इस वक्त जो भी मुद्दे हैं कुछ मैंने अपने गीत के माध्यम से आपको मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल सर, देखिए और लोगों ने तो कहा है कौन 2024 में कौन आएगा, हर लोगों ने कहा है, मैंने क्या कहा है 2024 में कौन आएगा? यूपी की है ये पुकार, होके साइकिल पे सवार अखिलेश आएंगे। यूपी की है ये पुकार, होके साइकिल पे सवार अखिलेश आएंगे। छात्रों को लेकर रोजगार, होके साइकिल पे सवार अखिलेश आएंगे। अखिलेश आएंगे आएंगे अखिलेश आएंगे। यूपी की है ये पुकार, होके साइकिल पे सवार राहुल आएंगे। राहुल आएंगे आएंगे राहुल आएंगे। यूपी की है ये पुकार, होके साइकिल पे सवार अखिलेश आएंगे। अखिलेश आए तो खलिया, अखिलेश आए तो फिर खेत लहलाएंगे। अखिलेश आए तो फिर खेत लहलाएंगे। अखिलेश आए तो खलिहान मुस्कुराएंगे। बनाने दिल्ली की सरकार, होके साइकिल पे सवार अखिलेश आएंगे। अखिलेश आएंगे आएंगे अखिलेश आएंगे। यूपी की है ये पुकार, होके साइकिल पे सवार अखिलेश आएंगे। अखिलेश आए तो बुलडोजर नहीं आएंगे। अखिलेश आए तो बुलडोजर नहीं आएंगे। अखिलेश आए तो किसान पेंशन पाएंगे। अखिलेश आए तो किसान पेंशन पाएंगे। विकास के खोलेंगे द्वार, होके साइकिल पे सवार अखिलेश आएंगे। अखिलेश आएंगे आएंगे अखिलेश आएंगे। यूपी की है ये पुकार, होके साइकिल पे सवार अखिलेश आएंगे। अखिलेश आए तो हर गांव सुधर जाएंगे। अखिलेश आए तो हर गांव सुधर जाएंगे।
अखिलेश आए तो सिलेंडर सस्ता पाएंगे, अखिलेश आए तो सिलेंडर सस्ता पाएंगे। राहुल की है ये ललकार होके साइकिल पे सवार, अखिलेश आएंगे, अखिलेश आएंगे, आएंगे अखिलेश आएंगे। यूपी की है ये पुकार होके साइकिल पे सवार, अखिलेश आएंगे, यूपी की है ये पुकार होके साइकिल पे सवार, राहुल आएंगे, राहुल आएंगे, आएंगे राहुल आएंगे, अखिलेश आएंगे, आएंगे अखिलेश आएंगे। यूपी की है ये पुकार होके साइकिल पे सवार, अखिलेश आएंगे। धन्यवाद। आखिरकार बहुत बढ़िया आपने कहा, लास्ट में आपने राहुल जी को भी जो है शामिल कर लिया, कहीं बुरा ना मान जाते, इंडिया का वर्णन है अखिलेश पर पूरा गाना है। जी धन्यवाद जी। अच्छा, आपने जो इस गीत में एक हिंदू मुस्लिम का पॉइंट रखा, भाई एकता का पॉइंट रखा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इसको गीत में शामिल करने का क्या आपका आशय रहा? देखिए भाईचारा, हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलजुल कर ईद दिवाली दशहरा मनाते हैं और भाईचारा एकता दिखाते हैं, और ये जो मौजूदा सरकार है उस भाईचारे को तोड़ना चाहती है, भाई भाइयों में आपस में लड़ाई कराना चाहती है। इसलिए हमने भाईचारे का जिक्र किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब जब आई है तो भाईचारा एकता कायम किया है और हमेशा सबको एक समाजवाद ही भाईचारा हर 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 समाज का मतलब सम्मान करने का काम करती समाजवादी पार्टी। हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन भाईचारे का गठबंधन है। अच्छा, माइनॉरिटी को बीजेपी से एक बिल्कुल क्या शुरू से ही अलग लेके चले, ऐसा क्या रहा कि जो है बिल्कुल कभी अन्य पार्टियों के बीच ऐसा नहीं आया, कांग्रेस सपा बसपा कभी माइनॉरिटी की बात नहीं आई, कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आई, बीजेपी और अन्य दलों से ऐसा क्या है कि दूर रहा मुस्लिम क्या हमेशा भाजपा से, क्या ये वजह है? भाजपा ही दूर कर रही है, भाजपा अब आप देख रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं, ना कोई विकास का मुद्दा है कि हम विकास क्या करेंगे, आखिर में आप देख रहे हैं कि वो कब्रिस्तान पाकिस्तान फलाना, अगर वो पाकिस्तान हंसेगा ये सब करती है, ये उनका जुमले हैं, ये उनका काम है, ये वो कहते हैं समाजवादी पार्टी कभी या गठबंधन हमारा इसको नहीं कहता। हाँ, वो तो जनता के ऊपर है, हमारे लिए सब जनता हमारे प्रिय है, जो भी है हमको सराह रहे हैं, हमको साथ दे रहे हैं, हम उनका स्वागत उनका करते हैं कि वो बदलाव करना चाह रहे हैं, हम उनके साथ। उच्च स्तरीय जो बड़े नेता हैं, जहाँ मुद्दों की बात होनी चाहिए वहाँ संपत्ति की जांच, संपत्ति छीन ली जाएगी, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, सोना छीन लिया जाएगा, इस तरह की जो मुद्दे हैं, और क्या ये मुद्दे सही हैं, या अगर सही नहीं तो क्या मुद्दे होने चाहिए? गलत है। देखिए मैं तो कहता हूँ मंगलसूत्र या जो कुछ छीनना काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी किसान आंदोलन में कितने किसान मर गए, 600-700 किसान मर गए, उनके मंगल सूत्र मतलब जब किसान मर गया तो बहनों के वो मंगल सूत्र छीने गए कि नहीं छीने गए? छीनने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। और कभी कभी ऐसा नहीं होगा, ये एक नई बात है जो कि लोग इसका तो इतने बड़े सीट में बैठ करके माननीय प्रधान जी सम्मानित हैं और उन्होंने ऐसी बात की है जो कि एक मैं अब क्या कहूँ, बड़े हैं। अब विपक्ष भी तो कोरोना वैक्सीन को कह रहे हैं जो रिएक्ट कर रही है, गलत रिएक्ट कर रही है, उससे जो है हार्ट अटैक जैसे संभावनाएं हैं कई परसेंट, उसको मुद्दा बना दिया। अब देखिए मुद्दा कोरोना, ये बात बड़े नेताओं के जो
बयान है, बड़े नेता जो जो सोचे होंगे, जो उन्होंने समझा होगा, उन्होंने जो कहा होगा, ये बड़े नेताओं का काम। तो ये थे हमारे साथ समीन मानवी जी, जो समाजवादी पार्टी के काफ़ी दिग्गज और पुराने नेता हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, जो पूरी तरीके से सपा के लिए समर्पित हैं और आज भी सुबह से लेकर रात तक समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करते हैं, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। तो आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी, हम फिर कहीं और मिलेंगे किसी और जनता के बीच और लोगों के बीच। बांदा से दीपक कुमार पांडे। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।